हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरान व्लॉग। और दोस्तों, ये है हमारे समीर भाई और इन्होंने बहुत मेहनत करके ये राउंड निकाल दिया। क्या स्कोर था कल का जो थर्ड डे का गेम हो रहा था समीर भाई? स्कोर था 1-8। एक आठ का स्कोर था। हमको 8 काटने थे जी, उनको एक पेच काटने थे। और कल आपने कितने काटे थे? कल हमने काटे थे 5 पेच काटे थे, तीन पेच बचे थे और इन्होंने ये भी कम्प्लीट कर दिया। और हमारे अजमी भाई ने कहा था बूंद बूंद से जो है घड़ा भरता है और ये बात सच हो गई है। जी अजमी भाई, जो आप कह रहे थे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जी तो हमारे समीर भाई ने सच करके दिखाया जी। 1-8 काटने थे हमारे समीर भाई ने, 1-8 काट दिए। क्या बात है। और 1-8 का स्कोर चल रहा था, हम लोग 8 पीछे थे, हम लोग 1 काटे तो उन्होंने 8 काटा जी। उम्मीद नहीं लग रही थी आप? उम्मीद थी हम लोग को। अच्छा, उम्मीद थी। समीर ने 1-2 बार ये काम करके रखे हैं, करके रखा है। अच्छा, इससे पहले एक टूर्नामेंट हो रहा था उसमें भी समीर ने ऐसे ही किया था, हम लोग पीछे चल रहे थे, समीर ने 1-8 काट दिया था। जी जी, तो सोडी भाई आ जाए नहीं तो उनको खुशखबरी मिली होगी। हाँ, उनको मिल गई है, तो उन्होंने इनाम भी दिया है समीर को, 1,000 रुपए का। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और हमारे समीर भाई खिलाड़ी है, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। चलिए, अब आपका थर्ड राउंड लड़ेगा, कल लड़ेगा। किससे आपका थर्ड राउंड? अब क्या नाम है, विकास और सागर में जो जीतेगा उससे लड़ेगा। अच्छा, विकास और सागर में जी। चलिए, अरे जी दोस्तों, ये ऑल ऑल का पेश हो रहा है और कैसर बाग और पैंथर का 8-8 बराबर है और हमारे भाई, हमारा पेश सही हो चुका है। और ये पेज कट गए हैं पैंथर काइट क्लब और कैसरबाग काइट क्लब ने काट दिया है। दोस्तों, हमारे भाई से पूछते हैं कि आज कौन अंदर आया और कौन बाहर गया। थर्ड डे का गेम हो रहा था जो फोर डे में लड़ा है आज जी। आज जो थर्ड दोनों टीमें तैयारी बताइए, जिसमें स्पीड और क्या कहते हैं आप, आलमबाग का था, तो आलमबाग ने निकाल लिया, स्पीड बाहर हो गया। और कैसरबाग का था जिसमें कैसनोवा और किसका बाहर हुआ है? कैसनोवा और सागर का मैच था जिसमें कैसनोवा बाहर हो गया। जो आज फोर डे में हमारा बी पूल लड़ रहा है जिसमें मॉडर्न शटर और हिंदुस्तान और आपका कहते हैं एवीएस हंगामा जी। और एक क्लब और है इकाना गुलजार जो लड़ रहा है हमारा राजाजीपुरम से। बाकी एक मैच नजरबाग और निषादगंज जी। चार मैच हो रहे हैं, निषादगंज भी आ गया है जी जी। शुक्रिया भाई। दोस्तों, मॉडर्न शटर का हिंदुस्तान क्रिकेट क्लब से लड़ रहा है जी। पे सही हो चुका है, हमारे भाई लड़ रहे पे सही, दोनों खिलाड़ी ध्यान दें। ऊपर से लड़ा रहे पेस सही, को चमकाते हुए। ये देखिए पेच लड़ रहे, ऊपर से लड़ा रहे, तेजी से खींचा भाई ने हमारे और ये पेच काट दिया हिंदुस्तान काइट क्लब ने। और ये सैफ भाई हमारे कट गए, कल्लू भाई और मॉडर्न शटर काइट क्लब के भाई कटे। जानते हैं कितने पेच हुए दोस्तों? 2-0 का स्कोर है मॉडर्न शटर का, हिंदुस्तान ने 2 काट दिए हैं मॉडर्न शटर काइट क्लब को। दोस्तों, हमारे शावेज भाई नजरबाग काइट क्लब लड़ा रहा है और तैयारी हो गई है और शावेज भाई लड़ा रहे हैं, नीचे से पेच लड़ा रहे हैं और ऊपर से निषादगंज काइट क्लब। दोस्तों, तैयारी हो गई है, पीछे खड़े हैं हमारे कल्लू भाई। चलिए, हम आपको पेच दिखाने की कोशिश करते हैं और ये शावेज भाई लड़ा रहे हैं। दोस्तों, देखिए पतंग लड़ रही है, दोस्तों ये पतंग टूट गई है हमारे शावेज भाई की। और चलिए, पेच पे नहीं टूटी थी, अब अगला इनका जब लड़ेगा
तो हम आपको दिखाएंगे शावेज भाई का। दोस्तों हंगामा काइट क्लब और एवियस काइट क्लब का लड़ रहा है और ये हमारे परवीन भाई लड़ा रहे हैं नीचे से पेच। अंकल जी चरखी दिखाते हुए, तैयारी हो गई है। राहुल भाई ने झंडा उठा दिया ग्रीन, ये देखिए, और प्रवीण भाई नीचे से पेच लड़ाते हुए। चलिए हम आपको पेच दिखाते हैं। दोस्तों पेच सही हो चुका है, राइट हैंड साइड वाली हमारे प्रवीण भाई की है। देखिए पतंग वो ऊपर कर रहे हैं, हंगामा नीचे से है और एवीएस काइट क्लब ऊपर से। पेच सही है, अंदर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हमारे प्रवीण भाई। देखिए पतंग चलाते हुए बढ़िया, हवा थोड़ी सी दिम पड़ी हुई है। फिर सही पतंग चक्कर चलाते हुए देखिए निकलता हुआ बनाया। एवीएस काइट क्लब ने तेजी से खींचा हंगामा काइट क्लब ने बाहर की तरफ और ये पेच काट दिया एवीएस काइट क्लब ने। और ये हमारे भाई कट गए। हम जानते हैं विकी भाई से क्या स्कोर है विकी भाई का। ये एवीएस काइट क्लब लड़ा रहे थे वन ऑल, मतलब एक एक, एक बराबर है। दोस्तों ये हमारे हसन भाई और ऊपर से लड़ा रहे हैं एक आना गुलजार काइट क्लब। अबे रेफरी तो बुलाओ के लिए ये सही हो चुका है और ऊपर से भाई लड़ा रहे हैं। ये देखिए पेस सही है, पेस सही तंको ऊपर कर लिए भाई ने, फिर अंदर की तरफ चढ़ाया। ताकत लगाई, सीधा मुड्ढा लगाया और हसन भाई ने पेश काट दिया है, सीधा मुड्ढा उतार दिया और तेज खींचा, लद्दा मार दिया हमारे हसन भाई ने। दोस्तों इकाना गुलजार जो काइट क्लब है वो हसन भाई का है और हसन भाई इसमें लड़ा रहे हैं और पूछते हैं कौन कौन लड़ा रहे हैं हसन भाई से। हसन भाई कौन कौन आपकी टीम लड़ा रहा है इस समय? हमारी अरीब है, अरीब भाई, अयान बाला, अयान बाला। अच्छा एक भाई ये लड़ा रहे हैं अयान बाला उधर। दोस्तों ये हमारे विकास दद्दा का क्लब जो लड़ रहा है और सागर काइट क्लब से लड़ रहा है। दोस्तों 1-0 का स्कोर है और सागर काइट क्लब ने एक पेच काट दिया है विकास काइट क्लब को। पेच सही हो चुका है, चलिए हम पेच दिखाते हैं आपको। कोशिश करते हैं पेच दिखाने की। तो सही है पतंग लड़ रही है, ऊपर से भाई हमारे लड़ा रहे हैं, नीचे की तरफ पड़ रहे हैं सागर काइट क्लब। सागर काइट क्लब सही है, अभी भी ये नीचे वाली पतंग अंदर चलते चले आ रहे थे। देखिए अब नीचे किया उन्होंने ऊपर वाले ने विकास काइट क्लब ने। दोनों पेच सही हैं अभी भी। देखिए अंदर की तरफ बढ़े सागर काइट क्लब, काश भाई काश काइट क्लब ऊपर से रख करके हटा लिए रहे मुड्ढे को, सही मौके का इंतजार करते हुए शायद मारना चाह रहे हैं। देखिए फिर हटाया और पेच अभी भी सही है।
और पेस कैंसिल हो गया, पेस छोटा हो गया। दोस्तों मॉडर्न शटर ऊपर से लड़ा रहा है और हिंदुस्तान काइट क्लब नीचे से लड़ा रहा है। अब वो खड़े हैं हिंदुस्तान काइट क्लब। दोस्तों पेच आता हुआ और पेच सही हो चुका है। देखिए मॉडर्न शटर सही है। कोशिश करिए हिंदुस्तान, हिंदुस्तान ने ऊपर करी तेजी से, अंदर की तरफ बढ़े हिंदुस्तान काइट क्लब। काफी बढ़ रखी है मॉडर्न शटर काइट क्लब ने। तेजी से उतारा, दोनों टीमें ध्यान दें, अंदर की तरफ और बढ़े हमारे भाई। देखिए तेजी से भाई ने मारा, तेजी से मारते गए मारते गए मारते गए, भाई ने तुरंत सीधी किया पतंग और ये पाए पेश काट दिया हिंदुस्तान काइट क्लब ने और मॉडर्न शटर काइट क्लब कट गया है। दोस्तों गोलू मौर्या भाई हमारे विकास काइट क्लब नीचे ऊपर से लड़ा रहे हैं और सागर काइट क्लब नीचे से लड़ा रहा है। चलिए पेश पे चलो, ये देखिए पेश लड़ा रहे हैं और पेश सही है। ऊपर कर रखी है अभी गोलू भाई ने। पतंग को चलाई फिर नीचे उतारा और अंदर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं सागर काइट क्लब। सही है, तेजी से बनाया, तेजी से खींच गए और ये पेश काट दिया हमारे सागर काइट क्लब ने। दोस्तों निषादगंज काइट क्लब ऊपर से लड़ा रहा है और नजरबाग नीचे से लड़ा रहा है और नजरबाग वो खड़ा है। देखिए नजरबाग काइट क्लब ये खड़ा है, तैयारी हो चुकी है हमारे अंकुर भाई ऊपर से लड़ाते हुए। दोस्तों पेच आ चुका है और अनु भाई लड़ा रहे हैं ऊपर से। चलिए हम पेच पे चलते हैं। दोस्तों ये पेच सही हो चुका है और ये पेच लड़ रहा है। पेच सही है, अंकुर भाई की लेफ्ट वाली पतंग है और राइट वाली नजरबाग लड़ा रहे हैं नीचे से। देखिए अंकुर भाई ने उतारा, तेजी से उतारते गए चक्करों पर लेकर के दोबारा सीधा झटके मारते हुए और ये पेच काट दिया नजरबाग काइट क्लब ने। दोस्तों अंकुर भाई ये पेच कट गए हैं निषादगंज काइट क्लब। दोस्तों राजाजीपुरम काइट क्लब और ऊपर से लड़ा रहे हैं और इकाना गुलजार काइट क्लब नीचे से लड़ा रहा है और भाई का चलिए हम पेच दिखाते हैं। दोस्तों पेच सही हो चुका है, भाई थोड़ा सा हाथ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और तेजी से ऊपर करी थी भाई ने, तेजी से खींच अंदर बनाया, तेजी से अंदर की तरफ पतंग आ गई और ये इकारा गुलजार काइट क्लब कट गया है और राजा जीपुरम काइट क्लब ने पेच काट दिया। दोस्तों ये हमारे फैजी भाई ने ये पेच काटा है। दोस्तों हंगामा काइट क्लब ऊपर से लड़ा रहे हैं और एवीएस काइट क्लब नीचे से लड़ा रहा है। चलिए हम आपको पेच दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पेच सही हो चुका है, देखिए दोनों खिलाड़ी ध्यान दें, पेच सही, पतंग वही लड़ेगी आप उड़वाइए, पेच सही है हंगामा और एवीएस का, एवीएस नीचे से हंगामा ऊपर से, पेच सही। देखिए रखिया ऐसे ही रखा, हटाया भाई ने, तेजी से मारा भाई ने और ये पेज हंगामा ने काट दिया।
दोस्तों अहमद भाई का पेच आता हुए मॉडर्न शटर ऊपर से लड़ा रहे हैं। चलिए हम पेच पे चलते हैं। दोस्तों पेच सही है और भाई हमारे लड़ा रहे हैं, ऊपर से लड़ा रहे हैं। दोनों खिलाड़ी ध्यान दे, पेच सही। ये तेजी से उतरे गद्दा बनाया, तेजी से झटका हमारे ऊपर किया पतंग भाई ने, लेकिन तेजी से खींचा भाई ने झटके मारते हुए और ये पेच कट गए। और ये पेच हिंदुस्तान ने काटा, हिंदुस्तान यही पतंग। दोस्तों हमारे सचित भाई पतंग नपवा करके ले जा रहे हैं। कौन कौन सी पतंग लड़ा रहे हैं देखे? सलमान, सलमान राजा की, ये देखिए राजा की पतंग सचित भाई हमारे। चलिए कितना क्या स्कोर है आपका? 2-0 का। दो काट दिए ना हम लोग, कट गए। अच्छा दो कट गए हैं जी। दोस्तों ये न्यू हिंदुस्तान के नाम से ना? नहीं हिंदुस्तान। दोस्तों ये हिंदुस्तान काइट क्लब है और मॉडर्न शटर से लड़ रहा है। क्या स्कोर है भाई साहब आपका? हमारा है 4-0। 4-0 का, 4 आपने काट दिए मॉडर्न शटर काइट क्लब को। चलिए और कौन कौन लड़ा रहा है आपकी टीम से? भाई राज और कासिम भाई। कासिम भाई, सैफिल भाई और राज और कासिम भाई। और आप? हम कासिम भाई। अच्छा कासिम भाई आप ही हैं। चलिए और कप्तान साहब कौन है? सैफुल भाई। सैफुल भाई, चलिए सैफुल भाई भी देखिए वो आ रहे हैं, उनसे मुलाकात कराते हैं हम आपकी। दोस्तों ये हमारे सैफुल भाई। और सैफुल भाई क्या हाल चाल है? ठीक है। क्या स्कोर आपका हो गया? 4-0 का स्कोर है। हाँ ये हमारे कप्तान साहब न्यू हिंदुस्तान का। नाम से? दोस्तों ये हमारे विकी भाई और पूछते हैं क्या स्कोर है विकी भाई का। विकी भाई क्या स्कोर है आपका? दो कट गए हैं एक काटा है। दो कट गए एक काटा है। और कौन कौन लड़ा रहे हैं हमारी तरफ से? ये लड़ा रहे हैं भाई हमारे फहद भाई। फहद भाई और जी शानू भाई लड़ा रहे हैं। शानू भाई लड़ा रहे हैं। अच्छा भाई ये लड़ा रहे हैं, चलिए बढ़िया आप लड़ाइए। और ये हमारे शानू भाई। शानू भाई दोस्तों इनका हंगामा से लड़ रहा है दोस्तों। और इधर निषादगंज खड़ा है और ये हमारे सचित भाई। सचित भाई कौन कौन लड़ा रहा है आपकी टीम में? हम लड़ा रहे हैं अंकुल भैया लड़ा रहे हैं, रवि भैया लड़ा रहे हैं। अच्छा रवि भाई लड़ा रहे हैं, तीन लोग लड़ा रहे हैं। चलिए दोस्तों निषादगंज नीचे से ऊपर से लड़ा रहा है और नजरबाग वो नीचे से लड़ा रहा है। पेस सही है, नजरबाग नीचे से लड़ा रहा है और ऊपर से निषादगंज। दौड़ चलाते हुए फिर से देखिए रखा निषादगंज क्रिकेट क्लब ने, अंदर की तरफ बढ़े तेजी से बनाया निकलता हुआ मुंडा। कैसरबाग ने बलों पर रख करके एक बार फिर से अंदर की तरफ चढ़े नजरबाग। पेच कैंसिल हो गया। दोस्तों ये लड़ा रहे नीचे से हमारे भाई नजरबाग क्रिकेट क्लब। दोस्तों पेस सही हो चुका है, तेजी से निकालने के बाहर निकाला बलों पर लिया निषादगंज ने बलों पर रख करके तेजी से बाहर की तरफ खींचा और ये पेच काट दिया नजरबाग ने निषादगंज काइट क्लब को। दोस्तों हम पूछते हैं कल्लू भाई से क्या स्कोर है? 3-0 भाई। 3-0 का है, 3 आपने काट दिए हैं नजरबाग काइट क्लब ने निषादगंज काइट क्लब को 3 पेच काट दिए हैं। दोस्तों बाला ऊपर से ला रहे हैं इकाना गुलजार काइट क्लब और हमारे राजा जी पुरम कैट क्लब खड़ा है। चलिए हम पेच पे चलते हैं। दोस्तों ये पेच नीचे से लड़ा रहे हैं हमारे, तेजी से खींचा भाग गया अंदर की तरफ दिखाया इकाना कैट गुजार कैट क्लब ने और ये पेच कट गए राजा जी पुरम कैट क्लब ने। एक और पेच हमने खाते में किया। तो एक बार फिर से हमारे मॉडर्न शटर पेच लड़ाते हुए ऊपर से लड़ा रहे और भी पेच सही नहीं हुआ है। चलिए हम आपको दोस्तों पेच आ चुका है और भी सही नहीं हुआ है, चलिए हम आपको पेच दिखाते हैं। सब पेच सही हो चुका है, ये देखिए पेच है
मॉडर्न शटर ऊपर से लड़ा रहा है। देखिए मॉडर्न शटर ऊपर से और नीचे से हमारे हिंदुस्तान काइट क्लब। करने की तरफ आते हुए फेस सही है अभी भी और हिंदुस्तान काइट क्लब नीचे से जगह ले रहे हैं चमका करके पतंग। देखिए अंदर की तरफ और बड़े डोर छोड़ी मॉडर्न शटर ने। ये करने की तरफ आए और ये पेज काट दिया हिंदुस्तान काइट क्लब ने और 5-0 का स्कोर है। दोस्तों सागर काइट क्लब आ रहा है ऊपर से और सत्यम ये पेज लड़ाएंगे। दोस्तों पेज सही हो चुका है और हमारे भाई लड़ा रहे हैं। इसके बाद एवीएस का हंगामा का लड़ेगा। हंगामा क्रीज पे आ जाइए। एवीएस क्रीज पे आए। एवीएस ऊपर से भाई लड़ा रहे हैं। ये भाई ने निकलता हुआ बनाया बाहर की तरफ विकास को सही करी विकास कार्यक्रम ने। झटके मारे और ये पेच काट दिया विकास काइट क्लब ने। दोस्तों ये एवीएस काइट क्लब ऊपर से लड़ा रहा है और नीचे से हंगामा लड़ा रहे हैं। चलिए हम आपको पेच दिखाने की कोशिश करते हैं। बीच में रखिए पतंग होली ऊंची कर लीजिए। हंगामा पतंग ऊंची करिए। पेच सही करा लीजिए। हंगामा पेच सही हो चुका है। दोस्तों ये पेच है और देखिए हंगामा नीचे से लड़ा रहे हैं और ऊपर से एवीएस काइट क्लब। रखा फिर से चक्कर ले करके बाहर अंदर की तरफ चढ़े। सही है ये उतरे हाथों की तरफ फिर ऊपर कर दिया हमारे एवीएस काइट क्लब ने। तेजी से चढ़ाया हंगामा काइट क्लब ने। पट किया हंगामा काइट क्लब ने चक्कर ले करके फिर बाहर की तरफ खींचा अंदर की तरफ और चढ़े हमारे एवीएस काइट क्लब। अभी भी सही है। देखिए एवीएस उतरे चक्कर लेकर फिर अंदर की तरफ खींचा से घट हो गया और हंगामा काइट क्लब भी बढ़े चक्कर लेकर के दोबारा थपके मारते हुए चक्कर लिया और ये भी हंगामा काइट क्लब की कट गया है। देखिए एवीएस काइट क्लब ने एक पेच अपने खाते में और किया। दोस्तों 2-3 का स्कोर है। 3 कट गए हैं और 2 काटा है इन्होंने। दोस्तों ये सचिन भाई हमारे निषादगंज काइट क्लब के और ये पेच लड़ा रहे हैं ऊपर से लड़ा रहे हैं और नजरबाग काइट क्लब से लड़ रहा है। नजरबाग काइट क्लब ऊपर से लड़ा रहा है। चलिए हम पेच दिखाते हैं। दोस्तों पेच सही है। देखिए अंदर की तरफ नजरबाग काइट क्लब थोड़ा सा चौड़े ऊंची करी चलाते हुए अंदर की तरफ ऊपर की तरफ करते जा रहे हैं अंदर से। देखिए सचिन भाई नीचे की तरफ थोड़े गद्दा बनाया चमकाते हुए पता अंदर की तरफ संचित भाई छोड़े। पेस सही है। उतारा तेजी से बाहर की तरफ खींचा और कैसे नजरबाग काइट क्लब ने तेजी से ऊपर किया और ये पेच काट दिया संचित भाई ने। तो एक पेच निषादगंज काइट क्लब ने अपने खाते में किया है और स्कोर है उसमें 1-3 का स्कोर है निषादगंज काइट क्लब का। दोस्तों ये मॉडर्न शटर का आरिफ भाई ऊपर से पेच चला रहे हैं। पेच सही हो गया। मैदान भी पूरा क्रीज पे आ जाए। आगे की क्रीज पे आए इसके बाद आपका पेच लगेगा। पेच सही है। दोस्तों ये पेच ये लड़ा है दोस्तों पेच ये लड़ा रहे हैं आरिफ भाई ऊपर से। गलता हो बनाया हटाया पतंग कम की थोड़ी सी
तेजी से खींच रहे हैं, तेजी से खींचते हुए खींचते हुए अंदर की तरफ दिखाते हुए चक्रो पीली पतंग एक बार पट किया, अंदर की तरफ दिखाया, रोकिया चमकाई पतंग नीचे से तेजी से खींचा अंदर की तरफ दिखा करके ये पेच काट दिया, अंदर की तरफ दिखा दिया हमारे हिंदुस्तान काइट क्लब ने। दोस्तों मॉडर्न शटर का 6-0 का स्कोर है, मॉडर्न शटर 6 कट गया है हिंदुस्तान काइट क्लब से। दोस्तों ये गाना गुलजार काइट क्लब ऊपर से लड़ा रहे हैं और ये बालाजी लड़ा रहे हैं ऊपर से, गाना बाला है। दोस्तों ये पेच चढ़ रहा है, ऊपर से लड़ा रहे हैं गाना गुलजार काइट क्लब, पेच सही हो गया, देखिए पेच सही हो गया, तेजी से बनाया ड्रॉ घुमा करके तेजी अंदर के दिखाया, तेजी से घुमाते आ रहे हैं और झटके मारे, अभी भी डोर मिली नहीं है। देखिए पेच कैंसिल हो गया, दोस्तों एक बार फिर से पेच आता हुआ, पेच कैंसिल हो गया था। माला जी ऊपर से लड़ा रहे हैं गाना गुलजार काइट क्लब के नाम से, और पेच सही हो गया। राजा जी पूरा नीचे से लड़ा रहा है, देखिए तेजी से बनाया निकलता हुआ खींचा अंदर की, देखिए पतंग पट हो गई, ये देखिए काफ़ी झटके मारते हुए बालाजी तेजी से खींच रहे हैं और एक तेजी से खींचते हैं डबल करके, बढ़िया पेच काटा हमारे राजा जी पूरा काट के लगता है। 205 एक का स्कोर है, गाना गुलजार काइट क्लब 5 कट गया है राजा जीपुरम काइट क्लब से। 200 तैयारी हो गई, नजरबाग ऊपर से लड़ा रहा है और नीचे से निषादगंज लड़ा रहा है। चलिए हम आपको पेच दिखाते हैं, सो पेच सही हो गया और संचित नीचे से लड़ा रहा है, ये बनाया अंदर की तरफ लिया, तेजी से उतरे चमकाते हुए सचित अंदर का दिखाया चक्कर लिया और ये पेच काट दिया सचित ने निषादगंज काइट क्लब ने, बढ़िया पेच काटा रोक करके और बलों पर रख लिया, ये पेच काट दिया और ये पेच कटे हैं हमारे समीर भाई नजरबाग काइट क्लब। दोस्तों एवीएस नीचे से लड़ा रहा है और हंगामा ऊपर से, और पेच सही हो चुका है, ये लेफ्ट वाली पतंग जो है हमारी एवीएस काइट क्लब की नीचे से तेजी चलते गए, हंगामा काइट क्लब बाहर की तरफ खींचा और ये पेच काट दिया, और पेच से काट दिया एवीएस काइट क्लब ने, नीचे चली गई थी इस वजह से पेच नहीं दिखा पाए हम आपको। दोस्तों अब हमारे एवीएस काइट क्लब के ये कप्तान साहब आ चुके हैं, और कप्तान साहब क्या स्कोर है आपकी टीम का बताइए हमारे यूजर को। हम तो अभी पहुंचे हैं जी, 3-3 बराबर चल रहा है, 3-3 बराबर चल रहा है। चलिए भाई ने ये पेच काटा था और नीचे से लड़ा रहे थे, इधर से संचित की गई है। दोस्तों राज भाई नीचे से पेच लड़ाएंगे और हिंदुस्तान काइट क्लब, और ये हमारे मॉडर्न शटर ऊपर से लड़ाते हुए सैफ भाई लड़ाएंगे ये पेच। दोस्तों चलिए हम पेच पे, और ये पेच सही नहीं हुआ, दोस्तों पेच सही हो चुका, ठीक है पेच सही है, मॉडर्न शटर अंदर की तरफ चलते चले आए काफ़ी, तो सन काट ने बाहर की तरफ खींचा, साहब भाई लड़ा रहे हैं पेच ऊपर से चमकाते हुए बाहर की तरफ खींचा, तेजी से दिखाया तेजी से खींचा और ये पेच काट दिया, काफ़ी बढ़िया डोर फेंकी थी मॉडर्न शटर काइट क्लब ने, बढ़िया पेच काटा खूबसूरत पेच काट दिया, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई भाई ने समझा ये कट गए, और ये भाई ने कहा कट गए, वैसे ही अगला जो पेच रहा था भाई हमारे तो इन्होंने रोक दी और उन्होंने डोर फेंकी थी इस वजह से पेच कट गए। दोस्तों
सब पेच आ चुका है नजरबाग का, नीचे से संचित लड़ा रहे हैं। ये सही तेजी से अंदर चढ़ते हुए आ रहे हैं सुचित, हाथ की तरफ बढ़ते हुए कल्लू भाई हमारे। तेजी से कल्लू ने उतारा, सचित ने बाहर की तरफ खींचा और ये पेज काट दिया सचित ने। सही है स्कैट क्लब ऊपर से लड़ा रहा है हंगामा से। सही है देखिए स्कैट क्लब रखा और ये देखिए पेज लड़ रहा है। तेजी से उतारा रुका पतंग को, थोड़ा ऊंचा लड़ाइए बनाया पतंग चलाई अंदर की तरफ दिखाया हंगामा कैट क्लब ने ऊंची करी। देखिए वेस्ट कैट क्लब ने तेजी से उतरे उतरते गए उतर गए तेजी से उतरे हंगामा कैट क्लब उतर गए और ये पेज कट गए हमारे भाई। दोस्तों पूछते हैं कि भाई से क्या स्कोर है, स्कोर क्या है एवीएस का? 3-5 का, 3 आपने काट दिए, 5 कटे हैं, 5 कट गए, आप 5 कट गया और 3 उन्होंने काटा है हंगामा कैट क्लब को। दोस्तों ये काना गुलजार ऊपर से लड़ा है और नीचे से राजा जी परम कैट क्लब लड़ा रहा है। दोस्तों देखिए पेश आता हुआ काना गुलजार कैट क्लब ऊपर से और राजा जी पूरा नीचे से और पेज सही हो चुका है। पेज अभी भी सही है और राजा जी पूरा अंदर की तरफ चलते जा रहे हैं। भाई साथ उसका लड़ेगा विकास, विकास भाई इसके बाद आपका पे लड़ेगा। सही है बनाया गाना गुलजार कैट क्लब ने पट किया उन्होंने, नीचे वाले ने तेजी से बनाया अंदर का दिखाया बहुत तेज खींच दिया ये पेच काट दिया हमारे राजा जयपुरम ने पेच काट दिया। दोस्तों हिंदुस्तान कैट क्लब ऊपर से लड़ाएगा और मॉडर्न शटर नीचे से, मॉडर्न शटर के अहमद भाई नीचे से पेश लड़ाने आए हैं। दोस्तों अहमद भाई नीचे से पेश और पट करके आ रहे हैं तभी सही होगा। सही हो चुका हिंदुस्तान ऊपर से नीचे से मॉडर्न शटर। सही है हल्की हल्की आवाज उसे ऊपर करते जा रहे हैं अहमद भाई, पट किया ऊपर चढ़ाया अभी भी सही है। पेच सही है अभी भी उतारते जा रहे हैं, कम हो गई पतंग अब सम 200-300 मीटर के आसपास पतंग है। तेजी से बनाया पट किया अहमद भाई ने, निकलता है हिंदुस्तान खींचा तेजी से खींचा और ये पेज कट गए अहमद भाई हमारे। दोस्तों 7-1 का स्कोर है, मॉडर्न शटर 7 कट गया है।
दोस्तों मॉडर्न शटर के अभी दो पेच बचे हैं और एक पेच उन्होंने काटा है और हम आपको अपडेट देते रहेंगे इंशाल्लाह। और चलिए फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सबको सलाम अलैकुम।